नमस्कार, मैं रंजय सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर गंगा बैराज पर नहाने गए तीन लोगों में से एक युवक गंगा की तेज धारा में बह गया। स्थानीय निवासी और गोताखोर के माध्यम से युवक को तलाशने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद युवक के घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि बिजनौर थाना कोतवाली शहर के खेड़की गांव के रहने वाले तीन युवक आज गर्मी से निजात पाने के लिए गंगा बैराज पर नहाने के लिए गए थे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। नहाने के दौरान खेड़की गांव का रहने वाला रिजवान नाम का युवक गंगा के तेज पानी के बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने युवक को बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन पानी तेज होने के कारण अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं दो युवक सही सलामत हैं। घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे स्थानीय निवासी ने बताया कि तीन युवक गंगा में नहाने के लिए आए थे, जिसमें से एक युवक की डूबने से मौत होने की संभावना है। बाकी दो लोग सुरक्षित हैं। अभी भी गोताखोर के माध्यम से डूबे युवक को तलाशने की कवायद जारी है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। बैराज पे लड़का डूबा है, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, सूचना में मिलने में आ रहा है कि तीन व्यक्ति थे जो गंगा बैराज पे बिजनौर में नहाने के लिए आए थे। 20 वर्षीय एक रिजवान नाम का व्यक्ति था जी, जो उसका नहाने के वक्त उसकी मतलब डूब चुका है वो। उसमें सर तीन लोग ये नहाने के लिए गए थे, उसमें दो वापसी आ गए, एक का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है जी। और जो वहाँ के निवासी है वो भी ढूंढने में उसका प्रयास कर रहे हैं जी। जो जिला प्रशासन है वो भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। क्या कारण क्या है, तेज पानी होने का कारण था या कुछ उस पर तहर? देखिए पानी का बहुत तेज था, उसके कारण वो बीच में जा चुका है। अभी पता चल रहा है कि जो उनके साथ के साथ ही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि पानी का बहुत तेज था जी, जिसके कारण उसकी जो डूब। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।